हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण सिंह कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए मैं 32 चेस्ट के लिए 4 टक्स ब्लाउज बताने जा रही हूँ, जिसमें कि हमने इस तरीके से पेपर को फोल्ड किया है और फोल्ड करने के बाद 2 फोल्ड किया, फिर 4 फोल्ड किया है। और हमें आगे पीछे का पल्ला छोटा बड़ा रखना है, आधा इंच का अंतर ज़रूर रखना चाहिए। तो हमने यहाँ पर बड़े आगे वाले पल्ले को आधा इंच ज़्यादा रखा है पीछे वाले से। और देखिए अब यहाँ पर हमें चेस्ट जितना चाहिए उस हिसाब से नाप 8 और प्लस 2 इंच करके 32 का चौथा पार्ट आता है 8, उसमें 2 इंच जोड़ दिया। तो इस तरीके से करके हमने ले लिया चौड़ाई में 4 फोल्ड पे। अब हम देखिए लंबाई में हमें आगे वाला पल्ला बड़ा रखना है, पीछे वाला उससे आधा इंच कम रखना है। और जब आप कपड़े पे कटिंग करेंगे तो 1 इंच और बढ़ा लीजिए तो लेंथ और अच्छी आ जाएगी आपकी। इसके बाद देखिए अब शोल्डर पे हमें कितना लेना है, तो शोल्डर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5.75 पर लिया है, आप 6 पर भी ले सकते हैं यदि आपको शोल्डर ज़्यादा चौड़े चाहिए तो। और शोल्डर यदि आपको ज़्यादा चौड़े नहीं चाहिए तो यहाँ पर 5.75 पर लीजिए। इसके बाद नीचे की ओर आर्म होल साइड में भी मैंने 5.75 पर लिया है, 6 तक भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा 8 और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा हमने इस तरीके से चेस्ट पर ले लिया है। और अब हम ऊपर की ओर यहाँ पर गला जो है हमें कितना लेना है, तो यहाँ पर यदि आपको गले को बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनाना है तो आप यहाँ पर 3.5 भी ले सकते हैं वोट नेक गले के लिए, और तो आप यहाँ पर चौड़ाई बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे गला ये 2.5 पर लेना है। 2.5 पर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर आगे वाले गले के लिए 6 पर निशान लगाया है, ये देखिए इस तरीके से। और पीछे वाला गला जो हम लेंगे जब, तो यहाँ पर हमने 10 के लिए निशान लगाया है और इस तरीके से हमने मिला दिया है, ये देखिए स्केल से रख के दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको मिला देना है। और इसके बाद अब हम आगे वाला जो गला है उसका शेप हम यहीं पर दे रहे हैं, और हमारे आगे और पीछे पल्ले दोनों ही साथ में ही कट होने वाले हैं। तो ये देखिए हमने पीछे वाले गले के लिए शेप दिया है इस तरीके का, और आप अंदर से भी दे सकते हैं और बाहर से भी, थोड़ा सा गोलाई और ज़्यादा चौड़ा करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम आर्म होल साइड पर 1.25 पर या 1.5 इंच तक यहाँ पर गोलाई देंगे, तो इसलिए हमने एक डंडी खींच ली है यहाँ पर 1.25 पर और इस तरीके से कर्व दे दिया। देखिए जहाँ से हमने निशान लगाया है फिटिंग का, वहीं से हमें कर्व देना है। इसके बाद अब हमें जो है जो यहाँ पर इस तरीके से नीचे की ओर कंधे को थोड़ा सा शोल्डर को डाउन करते हैं लगभग 0.25 पर, और इसके बाद अब यहाँ पर हमें ये दोनों को बराबर कर लेना है। और कमर पर कितनी फिटिंग रखनी है, तो 28 का कमर है तो 28 का 4th पार्ट 7 होता है, 7 में 1 इंच टक्स के लिए और उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें इन निशानों को इस तरीके से मिला लेना है एक्स्ट्रा पार्ट को, तो ये देखिए हमने यहाँ पर इस तरीके से मिला लिया है। याद रखिए हमारा आगे और पीछे के पल्ले में आधा इंच का अंतर है, बैक पार्ट छोटा होता है, जब सिलते हैं तब दोनों पार्ट बराबर हो जाते हैं, इस वजह से जो लोग बराबर ले लेते हैं तो उनके पल्ले छोटे बड़े हो जाते हैं, इसलिए ये पहले से ही हमें लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम कटिंग करके निकाल दे रहे हैं। यहाँ पर कटिंग करते समय गोलाई को आराम से दीजिए और हमारी कैंची का नोक आगे की ओर से चलना चाहिए, इससे हमारी कटिंग में फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर इसके बाद अब देखिए हमने इसको पेपर को अच्छे से बैठा लिया है और यहाँ पर होल करके पीछे वाले पल्ले में इसका निशान लगा रहे हैं ताकि हम बॉक्स बनाने में हमें आसानी रहे। तो इस तरीके से होल कर देंगे तो नीचे भी जाके वो पॉइंट छप जाएगा। अब देखिए हम आगे वाले गले की जो है कटिंग इस तरीके से हम कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर दी है, ये देखिए। और अब हम चाहें तो इस कंधे को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं कि आप चाहें तो यहाँ पर कम कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अब पीछे वाला गला भी कट करना है, तो इस तरीके से मैंने ओपन करके और साथ में ही कट कर लिया है। और देखिए फिर से दोबारा से बैठाल दे रहे हैं और साइड वाला जो हमने 0.25 पर गिराया था शोल्डर, इसे अब हम कट कर दे रहे हैं। तो ये हमें थोड़ा आसान रहे इसलिए हमने इस तरीके से कट किया। अब देखिए फ्रंट और बैक में बैक वाले पल्ले का जो हमें बैक पार्ट का जो प्लेट देना है, तो उसका निशान हम यहाँ पर 9.5 पर या 10 पर रख सकते हैं, तो हमने यहाँ पर 9.5 पर लिया है। इसके बाद अब चौड़ाई में यहाँ पर 3.5 से 4 के बीच में जहाँ पर चाहे आप 32 चेस्ट के लिए आराम से आप रख सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर चार पे लिया है और उसके बाद आधा आधा इंच दोनों साइड करके एक इंच का हमारा प्लेट ये तैयार हो जाएगा। तो उसे साइड में किया। अब हम लेते हैं फ्रंट पार्ट का। फ्रंट पार्ट के लिए अब देखिए यहाँ पर हमें आगे के प्लेट्स डालने हैं, तो हमें कैसे डालने हैं, तो यहाँ पर मैंने इसके लिए 10 पर लिया है। हमारा जो एपेक्स पॉइंट होता है उसे हमें पता रहता है तो ठीक है, लेकिन ये नाप हमारे परफेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर प्लेट डाल देनी है एक इंच की। पहले हमने यहाँ पर 10 पर लिया। 10 पर लेने के बाद हमने इस तरीके से प्लेट डाला है और नीचे की प्लेट हमने साइड में जाते हुए 2 इंच पर, फिर ऊपर की ओर 90 का एंगल बनाते हुए 2 इंच पर, 2-2 इंच का गैप रखना है। अब देखिए यहाँ पर साइड में हमें कैसे प्लेट देनी होती है, तो यहाँ पर 5, 5.5, 6 पर कहीं पर भी निशान लगा के आप प्लेट के निशान नीचे कर सकते हैं डाउन, लेकिन ये 5 से नीचे ही होना चाहिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पर 5 पर प्लेट का निशान नीचे की ओर गिरा दिया है। और देखिए ये होल हमारा जो पीछे था दिख नहीं रहा था, तो इसलिए हमने यहाँ पर दोबारा से निशान लगाया है। निशान लगा के देखिए ये हमने चौकोर बॉक्स बना लिया जो हमारा आर्म होल साइड का था। अब इसके बाद अब हमें इसकी गोलाई भी देनी है। तो ये देखिए हम यहाँ पे 0.75 इंच पर और ऊपर से देखा जाए तो लगभग आधा इंच कम करते हुए हमें गोलाई देनी होती है, आगे से थोड़ा बढ़ते हुए लगभग आधा इंच के करीब और आधा इंच से थोड़ा कम करते हुए हमें इस तरीके की गोलाई दे देनी है। और ये वाला जो पॉइंट था हमारा इधर साइड में ले जाके इसको भी मिला देना है। तो ये हमारे प्लेट यहाँ पर 3 प्लेट कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद अब देखिए इस प्लेट से 1.5 इंच ऊपर हमें ऊपर आके प्लेट का निशान लगाना है इस तरीके से। नीचे वाला जो प्लेट था उससे हमें 1.5 इंच ऊपर आना है। तो इस तरीके से हमें 2.5 इंच चौड़ाई की प्लेट डालनी है और आधा इंच चौड़ा रहेगा जिस तरीके से मैंने निशान लगाया, सेम इसी तरीके से। अब ये हमें बाजू भी कट कर देना है इस तरीके से। हमने यहाँ पर इसको कट कर दिया। अब कट करने के बाद अब देखिए हमें ये सारे निशान हमें बैक साइड में भी लगाना है। और जब हम इसके कपड़े पर कट करने के लिए रखेंगे तो 1/2 इंच साइड से ज़रूर बढ़ा लेंगे, इससे हमारा हुकाई पट्टी के लिए कपड़ा मिल जाएगा लगभग 1/2 इंच। तो बैक में लगाइए हुकाई, चाहे फ्रंट में लगाइए। अब देखिए यहाँ पर हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, तो हमने फ्रंट को साइड में रखा है और बैक को लिया है और इस तरीके से ऊपर से हमें शोल्डर के पास से नीचे की ओर जो निशान है हमारा फिटिंग का, वहाँ से लेते हुए हमें निशान देखना है। तो ये 6 पर आया है। अब देखिए यहाँ पर 2 फोल्ड पर हमने इस तरीके से पेपर लिया है। पेपर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर 6 आया था, तो 6 पर निशान कर लिया। इसके बाद 1.5 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। 1.5-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक्स्ट्रा कपड़ा। अब देखिए हमें जितने पे बनाना है उसे 1 इंच लगभग लंबा लेंगे और 3 इंच पर फिर हमने नीचे की ओर निशान लगाया, उसके बाद 1 इंच साइड में ऊपर की ओर निशान पे छोड़ा है। उसके बाद से हमें फिर से उस 3 वाले निशान पर इस तरीके से तिरछा मिला के 6 पर टिक कर लेना है, सेम जिस तरीके से दिखा रहे हैं बस इसी तरीके से। तो ये देखिए अब हमने यहाँ पर जो साइड में हमारा जो निशान था इसको हमने इस तरीके से लाइन खींच के दिखा दिया है। अब हमें यहाँ पर इस तरीके से इसकी गोलाई देनी है। बहुत ही सिंपल वे में हम कटिंग बता रहे हैं, इसे आप समझने के बाद आप अपने हिसाब से भी कटिंग करने लगेंगे। यदि आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए ये सारी ट्रिक बहुत ही काम के हैं। तो ये देखिए 1.5 इंच हमने यहाँ साइड में रखा है, इधर भी साइड में रखा है। इसके बाद हमने यहाँ पर निशान लगा दिया और साइड में 1/2 इंच नीचे की ओर गिरा दिया है। अब देखिए यहाँ पर गुलाई भी हमने दी है 1/2 इंच की। अब कटिंग करने के लिए हम यहाँ पर इस तरीके से कट कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो हमने यहाँ पे कट नहीं कर रखा था इसे भी हमने कट कर दिया है। आपका हमारे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।